हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं, ये अब एक फिनोमेना बन चुका है और यूनिवर्सली लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। और मैं ये तो नहीं बोलूँगा इसकी स्टोरी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड थी, बट जो ट्रीटमेंट था वो डिलाइटफुल था। जिस तरीके से VFX का यूज़ किया है, जिस तरीके से इमोशंस को हर सीन के अंदर पिरोया है, इट हैज़ बिकम अ मैसिव 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 ब्लॉकबस्टर। अभी तक इसने 820 825 करोड़ रुपए का बिजनेस ऑलरेडी कर लिया है वर्ल्ड वाइड। और ये 8 दिन की कलेक्शन है, और 2 दिन की और कलेक्शन समझ लीजिए कि 10 दिन के आसपास की जो कलेक्शन है वो बढ़ा के ये दोस्तों बहुत ही जल्दी आपको 1,000 करोड़ का बिजनेस देने वाली है। इट्स अ मैसिव मैसिव बिजनेस। राजामौली अब ये दूसरी मूवी होने वाली है जिसके अंदर 1,000 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ है, और इंडियन ये थर्ड मूवी होगी जो 1,000 करोड़ का बिजनेस करेगी। पहली मूवी जो थी ऑफकोर्स बाहुबली पार्ट 2 थी, और उसके बाद दंगल ने किया था, और उसका ज़्यादातर बिजनेस जो है वो चाइना से आया था। और लेकिन जो सेकेंड मूवी जो हिंदुस्तानियों ने बहुत ज़्यादा पसंद करी वो अब RRR है, जिसका 1,000 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस टच करेगा। यहाँ पर इंटरनेशनली भी बहुत अच्छा बिजनेस ये कर रही है, डोमेस्टिकली भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। 1,000 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन देते हैं बाकी फिल्म मेकर्स को कि अगर आपको मसाला मूवी बनानी है, मेरे को जो समझ में आया, देर आर नो हाफ मेजर्स है, ठीक है, फिर देन गो फुल हॉग। उस तरीके की ये मूवी थी। इसके अंदर कुछ कुछ सीन्स ओवर द टॉप भी थे, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट का जो सीन था जिसके अंदर राम रामचंद्र बन के आ जाता है, उसके तीर खत्म ही नहीं हो रहे होते हैं। बट वो जिन लोगों ने भी इस सीन को डिस्प्यूट किया, या फिर वो आप कह सकते हैं कि जो फ्लिप करने वाला सीन था बाइक का किया, उस सीन के अंदर जो जज्बात डाल दिए, क्योंकि ये मसाला मूवी थी तो ये काम कर गया। उस टाइम पे लोगों ने बहुत सीटें हमारी इसके साथ कनेक्ट हुए। अगर मैं ये बोलूँ कि बहुत से लोग जो इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि यार ये तो बहुत ही ओवर द टॉप हो गया, तो मैं ये बोलूँगा ठीक है, ये सब कुछ था ओवर द टॉप, अनबिलीवेबल था, लेकिन राजामौली का यही बेस्ट चीज़ है कि वो अनबिलीवेबल को बिलीवेबल बना देते हैं उस मोमेंट के अंदर। अगर मैं अपनी साइड से कुछ बोलूँ तो मैं बोलूँगा कि मूवी बहुत अच्छी बनी थी, इसका जो ग्रैंडियर था बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। एक जो हमें फाइन लाइन डिफाइन करनी चाहिए मूवी के अंदर, ये करनी चाहिए कि अगर आप सुपर हीरो वाली फिल्म बना रहे हैं तो आप फुल हॉग जा सकते हैं। जब आप एक नॉर्मल इंसान की कहानी सुना रहे होते हैं तो नॉर्मल इंसान की कहानी के अंदर आपको थोड़ी सी कहीं ना कहीं बाउंड्री ज़रूरत होती है। तो अभी तो हम वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक नया समा बांध के लेके आ रहे हैं जिसके अंदर एक नए तरीके का एंटरटेनमेंट है, नए तरीके का प्रेजेंटेशन है। तो आई एम श्योर अब ये जो फिक्सेज हैं छोटे मोटे, ये और मूवीज़ के अंदर और ज़्यादा फाइन ट्यून होती चली जाएंगी और सिनेमा और बेहतरीन होता चला जाएगा। और ये देख के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जितने भी सिनेमा हाउसेज हैं, सो टू से टॉलीवुड बॉलीवुड, ये सब हट के मेरे ख्याल से अब ये कुछ इंडी वुड टाइप सा कुछ बनने वाला है, इंडियन सिनेमा बनने वाला है, विच इज़ वेरी गुड। और टैलेंट के बेसिस पर लोगों को काम मिला करे। तो फिर मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। 1,000 करोड़ इज अ वेरी बिग नंबर टू सेलिब्रेट। बाय बाय।